जब एक 19-20 साल का लड़का टकला हो जाए तो आप उसका दिल का दर्द समझ सकते हो। और जब लोग ये भी कह दे अरे गंजा, बम फटती है यहाँ यहाँ। तो मेरी मुंडन होने की ब्लॉग की कहानी बताएंगे, लेकिन उसके 10 दिन पहले की कहानी आप सुन ले तो बहुत अच्छा है। जब मैं अपने फ्रेंड्स के साथ कहीं घूमने जाता हूँ तो मैं गुम हो जाता हूँ, खास करके अपने कॉलेज फ्रेंड्स के साथ। देखो ये सब हमारे ग्रुप है, ये सब हमारे ग्रुप है और हम लोग अभी मौत के कुएं में जाएंगे। अभी अभी मिली खबर के अनुसार मजा आने वाला है। ये पूरा डर रही है बाइक, लाइट करेगी जाके। गाइस वहाँ पे लड़की भी बाइक चलाती है, खतरनाक स्पीड चलाती है। क्या मस्त प्लेस है यार। तीन कार है यार, देख। गई थी कभी यहाँ पे? पहले देखा था? नहीं नहीं देखा। गाइस देखो, पहली बार एक्सपीरियंस करेगी ये। ब्रो हाउ वाज द जोश? अच्छा है। गाड़ी चलाया यार आपने, बहुत खतरनाक चलाया सच में। आप लोग कहाँ से हो? बंगाल से। जो असली कहानी है आई लॉस्ट माई हेयर, तो ये कहानी मैं एकदम एंडिंग में आप लोगों को बताऊंगा और दिखाऊंगा। तो मेरी दूसरी कहानी कुछ ऐसी है, मुंडन होने के बाद मैं एक शूट पे गया था, एल्बम शूट पे, और उस पे मैंने अटेंड किया था। और कैसा हुआ था हमारा शूट, आप ये कहानी सुन लो पहले। दीदी लोग डिफू से आए हो आप लोग यहाँ पे शूटिंग करने के लिए, और यहाँ गर्ल्स हाय बोल दो एक बार, और सब लोग शूटिंग करने के लिए अभी नेक्स्ट लोकेशन पे जा रहे हैं। मतलब मैं थोड़ा लेट आ गया, 10 मिनट, बस 10 मिनट पहले अगर मैं वहाँ गया होता तो शायद इस बोट में मैं तैरता हुआ नजर आता। तो हमारे पन्ना दा है, हाय राजा दा, और यहाँ पे सुशांत भाई है। आंटी कितना है टोमेटर? टोमेटर कितना है किलो? 40 रुपया। क्या ले रहे हो आप? सब्जी ले रहा है। और वहाँ पे पार्किंग है, और ये देखो मैंने क्या पकड़ा है, इसको क्या बोलते हैं? इसको बॉक्स सुशांत भाई ने पकड़ा है। ये ग्रिम्बल है और ये कैमरा है DSLR, और यहाँ देख सकते हो बहुत सारे गियर्स है और ड्रोन भी है। अभी हम थोड़ी देर ड्रोन उड़ा देंगे, गाइस ड्रोन भी उड़ाएंगे, जो मजा आएगा उड़ाने में। माँ पसंद ये डिमासा ड्रेस है, ये कान का भी डिमासा है, ये भी डिमासा है, क्या दूसरा डिमासा है? हिंदी का है, इंडियन है। ओ इंडियन है। गाइस इन लोगों का कान का देख रहे हो, ये इंडियन है, और ये जो गला में लगा है ये वाला डिमासा है ना, और ये जो ड्रेस सब डिमासा। दादा हाय गाइस, देखो बस शूट करने के लिए आया, नेचुरल पहाड़ों के बीच सब मिलके। हाँ और कुछ बोलिए, और कुछ बोलिए, क्या बोलूँ गाइस। राजा दा शर्म के मारे एकदम काटिल काटिल हो गया है। वेलकम टू द लामडिंग, कैसा लग रहा है लामडिंग में आके? बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लग रहा है। और ये है हमारा लामडिंग का पहाड़, देखो। क्या बन रहा है भैया? ये कबूतर के लिए, गाइस भैया लोगों ने कबूतर के लिए एक घर बनाया है, देखो। और ये कहाँ से खींचे गए कबूतर? ढक्कन दिया है, ये देखो देखो कबूतर, बहुत सारा कबूतर बैठ सकता है। हाय 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 हाय, माँ कसम माँ कसम। और भैया
भैया हाय बोल दो। ये हम लोग का ऑपरेटर है। ऑपरेटर है गाइस, वो भैया यहाँ के ऑपरेटर है। नेक्स्ट लोकेशन में जाएंगे, एक बहुत सुंदर मतलब पत्थर पत्थर वाला नदी जैसा है, तो वहीं पे जाते हैं। तो राजा के यहीं पे बैठेगा, नहीं जाएगा? नहीं जाएगा राजा। आप मोटा, आप नहीं जाओगे राजा? नहीं, नहीं, मैं नहीं जाऊंगा। कार में बिंदास बैठ रहे हैं, बहुत आलसी इंसान है राजा का। और हम लोग अभी ये नीचे होके उधर जाएंगे। पहाड़ी पहाड़ है देखो, और ये देखो एक ब्रिज बन रहा है यहाँ पे। और वही बात है, अभी हम लोग एक झरना में जाएंगे। झरना मतलब छोटा मोटा झरना है, और वो लोकेशन बहुत अच्छा है। तुम खाली पाओ है? नहीं पहना? ओ पानी है इसलिए ना। एक नदी पार करेंगे हम। चारों तरफ जो ग्रीनी है, क्या मतलब लैंडस्केप है देख। बीच से एक नदी बह रहा है और हम लोग उसके साइड से चल रहे हैं। मतलब ना बहुत अच्छा लगता है गाइस ऐसा जगह, सच में यार मतलब सुकून मिलता है बहुत। करीबन दो बज चुका है ना शायद, शायद ना हाँ। और हमारा कैमरा पकड़ रहा है, हाय बोल दो, हाय बोल दो। कैमरा पकड़ रहा है ये खूबसूरत लड़की। और यहाँ देखो ये नदी पार करके जाना पड़ेगा है। तुमने देखा? हाँ देखो ना, इतना सारा है मछली है क्या? ओ माय गॉड, फोन में नहीं दिखना चाहिए। गाइस यहाँ ट्रैकिंग हो रहा है, और देखो क्या सुंदर ट्रैकिंग है हमारा। और ट्रैकिंग भी पूरा ट्रेडिशनल ड्रेस में हो रहा है, देखो ट्रेडिशनल ड्रेस में। देखो हम कहाँ ट्रैकिंग कर रहे हैं, ऐसे पहाड़ों में। और क्या ग्रीनी है आगे की, ऐसे देखा देखो ना, वो देखो नहा रहे हैं। लेकिन यार आदमी का घर एक भी नहीं है कहीं पे भी, दूर दूर तक वो बस ब्रिज नजर आ रहा है। और हमारा गाड़ी वो पार्किंग क्या हुआ है वहाँ पे। यहाँ कुछ नज़ारा ऐसा है, और ये देखिए यहाँ पे शूट चल रहा है, ये देखो ये लोग डांस कर रहा है। कैमरामैन के साथ रिपोर्टर डेविड शर्मा। फर्स्ट टाइम है क्या तुम्हारा? पहले कवर बनाया। हाँ कवर सॉन्ग बनाया था पहले, एल्बम पढ़ते हैं। वैसे आपके भाई ने भी एक डेढ़ साल पहले एक दो एल्बम बनाने के बाद संन्यास ले ही चुकी थी, लेकिन अभी देख के ऐसा लगता है कि मैदान में उतरना ही पड़ा। 4 बजे शूट कंप्लीट करने के बाद 4:30 बजे हम गए थे फिशिंग करने, वो भी दूसरों की खेतों से और दूसरे की झील में। ये है जाल, और इतनी धूप में हम मछली पकड़ने जा रहे हैं। अरे हम लोग गाइस इधर में आया है मछली पकड़ने, मछली तो नहीं है मैं, हम लोग क्या करेंगे, चलो लड़की के लेके भाग जाएगा। गाइस ये देखो जाल पकड़ा है मछली एक। गाइस इतना आसान नहीं है मछली पकड़ना, हमने बहुत मुश्किल से एक ही मछली पकड़ा है। अब वो मछली बची तो नहीं होगी, वो खाने के बाद ही आपके सामने आपका भाई कहानी बता रहा है। अब आते हैं क्लाइमेक्स में कि मेरी हेयर लॉस्ट होने की कहानी। और जो मैंने नीचे लिखा है टाइटल में वर्तमान, तो ये जो प्रेजेंट टेंस वाली वर्तमान नहीं है, ये हमारा एक रीति रिवाज है। तो आपका भाई निकला ब्राह्मण, और ये वर्तमान वाली चीज लाइफ में एक बार तो करना पड़ता ही है हमें। तो हम सब जाने के लिए तैयार थे, और हमने बस भी मंगवा ली थी। जितने भी लोग हैं सब हमारे गांव के हैं, और लग रहा है कि कोई शादी में जा रहे हैं, लेकिन बहुत मजा आने वाला है। चलो पूत रहे हैं देखो। और सानू वो क्या कर रहे हैं? पेशाब कर रहा है। हाँ क्या कर रहा है? पेशाब कर रहा है। पेशाब कर रहा है, डिस्टर्ब नहीं देने का ना? नहीं देने। मूत्र है देखो। राहुल है तो राहुल देखो मेरे पॉकेट से पैसा चोरी कर रही है। पैसा चोरी कर रही है देखो। अभी देंगे खाली 20 रुपीस से। अभी पहुंच चुके हैं मंदिर में, और मंदिर में अभी
एंटर करने वाला है और आज हम लोग एकदम भूखे हैं, मतलब आज वो वर्तमान बोलते हैं ना तो वो है। और भाभी आज आई है हमारे वर्तमान देखने के लिए और बहुत सारे लोग आए हैं। मैं कौन दिनों और भन्नु के मैं डेविड का ठुलिया माँ हूँ, भन्नु मैं डेविड का ठुलिया माँ। शिव मंदिर एग्रीकल्चर शिव मंदिर और यहीं पे आज हम लोग कुछ होने वाले हैं। ये हमारी मामी है जो गाइस बस में हम लोग के साथ ही आई है। ओम प्रतिष्ठा सुप प्रतिष्ठा परतो गमन प्रसिद्धा मा वै। मेरे सिवाय और तीन लोगों का भी वर्तमान हो रहा है, जिनमें से एक है दीपू, एक है मेरा दोस्त किसान और एक है रोशन। हाय वंदे, तो हाय वंदे। ये हमारे माकुरी आंटी है। पंडित जी नमस्ते। नमस्ते, कहाँ से हो आप? एक बार मान रहे, एक बार कौन सा देश से हो? नेपाल का। नहीं, नेपाल से हो आप, फॉरेनर दिखती है। गाइस अभी हम हेयर कट करने वाले हैं और देखो, और यहाँ देखो भीड़ हेयर कट करने के लिए। करीबन चार लोगों का हेयर कट होगा और कैसा हेयर कट होगा देखो आप लोग। ठंड लग रहा है। How you feeling, David? Hey, koi sapna jag suna suna lage, jag suna suna. Guys, David dada takla ho gaya, aap aise aise bhi kar nahi payega, college bhi jayega takla. College? Hey guys, college wohi to guys, cap dekhta hu guys, takla college jana padega. किसान का कल शादी हो गया तो इसलिए हल्दी का रस्म कर रहा है। इस हल्दी का रस्म हो रहा है तो लग रहा है ना कि हमारा एक शादी हो रहा है, मतलब इसको छोटी सी शादी भी कह सकती हो जहाँ दुल्हन नहीं होती है। उसके बाद हमने एक येलो कलर का ड्रेस पहना जो पहनना बहुत जरूरी होता है आजकल। गाइस दिस इज आवर वर्तमान, इंग्लिश में क्या बोलते हैं मुझे पता नहीं है। गाइस वो पोइटा बोलते हैं ना, पोइटा लगाते हैं जो बॉडी में, वो अब हम लोग अब से वो लगाने वाले हैं, मतलब ये करने से लगाना नहीं पड़ता है। जनवरी जनवरी गाइस वो नहीं लगाने से हम लोग शादी नहीं कर सकते हैं, वो मतलब लगाने के बाद। उसके बाद जब भी शादी करो वो आपसे हम लोग पैसा कमाने वाले हैं टीका लगा के और हमारे फैमिली सब पैसा देने वाले हैं। ये देखिए सब लोग पैसा देने वाले हैं, हम भी, मतलब ये नियम है पैसा। गाइस देखो कपड़ा भी मिलता है, पैसा भी मिलता है, कपड़ा भी मिलता है। हमरा नेपाली को ऐसे वर्तमान करो। देखो गाइस सुबह से पानी भी नहीं पिया, पानी का पिया है, बंद करो, पिया नहीं है। मेरा भाई हम लोग का मायला भाई, मेरा भाई नहीं है, मायला भाई टीका नहीं लगा दिया, पैसा देना पड़ेगा बोल के टीका नहीं लगाया, पैसा देना पड़ेगा बोल के टीका नहीं लगा दिया। देखिए हम लोग का मायला भाई
इधर देखो रोशन भी कमा, रोशन कितना कमाया पता नहीं। गाने का काउंट करना पड़ेगा, काउंट करना पड़ेगा। देखो कहाँ पॉकेट कहाँ है गम, पॉकेट है। देखो गाइस, देखो अभी मेरी भाभी दीदी लोग चिढ़ा नहीं पाएगा मुझे कि मैं टकला हो गया हूँ, क्योंकि देखो कैप लगा लिया। हटो, देखो अभी पंडित जी को बाय बाय करते हैं, सब लोग अभी निकल रहे हैं, मिलते हैं फिर से, ठीक है। पंडित जी नेपाली है, हिंदी बोल नहीं सकते, फिर मिलेगा, फिर मिलेगा, ठीक है। और गाइस हमारे यंग गुरु जी, गाइस ये आज से मेरे गुरु जी है, तो पूरी बस्ता लेके हम लोग निकल रहे हैं। तो वो रहा हमारा बस, देख रहे हो, तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना, कॉमेंट करना, और ये हमारी बस की पार्टी है सब लोग। चलो लेट्स गो, बाय बाय गाइस, मां कसम एक कॉमेंट करना मत भूलना।